शाहीन अफरीदी को क्या बता रहे हैं शमी? अफरीदी को गेंदबाजी सिखाने लगे शमी। दोनों खिलाड़ियों ने आखिर क्या बात की? T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाई मुकाबले और साथ ही प्रैक्टिस मुकाबले शुरू हो चुके हैं। वार्म अप मैच में बात करें तो भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, जहां भारतीय टीम ने 6 रनों से जीत हासिल करने के साथ ही वार्म अप मैच की शुरुआत बेहतर की है। इसके अलावा भारत अपने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 के मुकाबले की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को खेलकर करेगी। दोनों टीमों के बीच 23 अक्टूबर यानी कि रविवार को मुकाबला खेला जाएगा। बता दें कि साल 2021 में T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले के दौरान पाकिस्तान की टीम ने भारत को 10 विकेट से मात दी थी। ऐसे में रोहित शर्मा और उनकी टीम के पास एक बड़ा मौका होगा कि उस हार का बदला लिया जा सके। इसके अलावा बात करें अगर पाकिस्तान और साथ ही भारतीय टीम की, तो टीम दोनों पूरी तरीके से तैयार हैं और दोनों टीमें इस वक्त नेट्स पर पसीना बहाती हुई भी नजर आ रही हैं। दोनों खिलाड़ी अपने इस मुकाबले के लिए पूरी जान डालना चाहते हैं। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले को लेकर भी दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयारियां करने में जुट गई है। वहीं हम आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और साथ ही पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोहम्मद शमी को जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी भी T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद सीधा T20 वर्ल्ड कप 2022 खेलने के लिए उतरेंगे। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद एक सीरीज के दौरान शाहीन शाह अफरीदी को चोट लगी थी और अब वह लंबे समय के बाद वापसी करने जा रहे हैं। वहीं मोहम्मद शमी भी कोविड पॉजिटिव थे, साथ ही इंजरी के बाद अब वह टीम के साथ जुड़े हैं। दोनों की इस तस्वीर की बात करें तो एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्ट किया है। इस वीडियो में मोहम्मद शमी और शाहीन शाह अफरीदी दोनों बातचीत करते हुए नजर आए। मोहम्मद शमी ने अपने अनुभव को शाहीन शाह अफरीदी के साथ साझा किया। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी पूछते हुए नजर आए कि आखिरकार आप जब गेंद डालते हैं तब आप किस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप गेंद को पकड़ते हैं और किस तरीके से गेंद को छोड़ा जाता है। मोहम्मद शमी ने भी बड़ी अच्छी तरीके से और साथ ही शांत तरीके से शाहीन शाह अफरीदी के तमाम सवालों का जवाब दिया और अपने अनुभव को युवा खिलाड़ी अफरीदी के साथ साझा किया। लेकिन इन सभी के बीच फैंस का कहना है कि आखिरकार जब शाहीन शाह अफरीदी साल 2021 में भारत के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज से और भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते हुए नजर आए थे, ऐसे में मोहम्मद शमी ने उन्हें और ज्यादा अनुभव देकर के कहीं ना कहीं भारत की ही चिंता बढ़ा दी है। बहरहाल दोनों खिलाड़ी आखिरकार खेल की बातचीत करते हुए नजर आए, जो कि आम बात है, लेकिन फैंस लगातार इस बात पर चुटकियां ले रहे हैं। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट और जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।